हेलो एवरीवन, अभी हम समरी देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस की। जो जो हमने चीजें देखी हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं। सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस जो है वो एक दूसरे के ड्यूअल होते हैं। मतलब जहां हम सीरीज रेजोनेंस पे हम इम्पीडेंस की बात कर रहे होते हैं, वहां उसको पैरेलल रेजोनेंस में हम एडमिटेंस की बात कर रहे होते हैं। सीरीज रेजोनेंस में हम आर जहां बोलते हैं, वहां पैरेलल में वही चीज रिप्लेस हो जाती है 1/r से। सीरीज रेजोनेंस में जहां एल होता है, वहां पैरेलल रेजोनेंस में वो इक्विवेलेंट होता है सी के। सीरीज रेजोनेंस में जो सी होता है वो पैरेलल रेजोनेंस में इक्विवेलेंट होता है एल के। सीरीज रेजोनेंस में आप करंट सेम रहता है इसलिए आप करंट कैलकुलेट करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस में पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज सेम रहता है इसलिए आप वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस की जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आपकी निकल के आई थी वो दोनों में सेम थी 1/√LC। सीरीज रेजोनेंस में जैसे हमने कहा था कि करंट फाइंड आउट किया वो क्या था, V/R। पैरेलल रेजोनेंस में V × G, क्योंकि आप कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं। सीरीज रेजोनेंस में जो आपका इंपेडेंस होता है वो R के बराबर होता है। पैरेलल रेजोनेंस में जो आपका एडमिटेंस होता है वो G के बराबर होता है। सीरीज रेजोनेंस में आपका इंपेडेंस जो रहता है सर्किट का रेजोनेंस की कंडीशन में मिनिमम होता है, जबकि पैरेलल रेजोनेंस में जो आपका एडमिटेंस होता है सर्किट का वो मिनिमम होता है। मतलब उस समय इंपेडेंस जो होता है सर्किट का वो मैक्सिमम होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। दोनों ही केसेस में पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है क्योंकि सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव होता है। क्वालिटी फैक्टर की यदि बात करें तो सीरीज रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, VL/VR और VC/VR करके कैलकुलेट करते हैं, जबकि पैरेलल रेजोनेंस में हम करंट की टर्म्स में IL/I एंड IC/I करके कैलकुलेट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर Q=1/√L/C होता है इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। हम जानते हैं जैसे 1/R किससे रिप्लेस हो जाता है पैरेलल में, R से। L रिप्लेस होता है C से और C रिप्लेस होता है L से, तो इसीलिए पैरेलल रेजोनेंस में Q=R √C/L। लोअर कट ऑफ एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के भी हमने रिलेशंस देखे, वहां भी अगेन हम RLC की जो ड्यूअलिटी हमने देखी वैसे ही हम रिप्लेस करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बैंडविड्थ दोनों ही केसेस में होती है ω0/Q और R/L। R/L होती है आपकी सीरीज रेजोनेंस के केस में, पैरेलल में होती है 1/RC। यदि आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहें तो उसका रिलेशन दोनों ही केसेस में सेम होता है। सिमिलरली जीटा जो होता है सीरीज रेजोनेंस में वो होता है R/√C/L। यहीं पे हमने R को 1/R से रिप्लेस किया, C को L से और L को C से रिप्लेस किया, तो पैरेलल रेजोनेंस में आपका जीटा हो जाता है 1/2R√L/C, विच इज दोनों ही केसेस में क्या होता है 1/2Q के बराबर होता है। मतलब रेसिप्रोकल होता है क्वालिटी फैक्टर से।